वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहमेजा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मजे में होंगे और आपका रमजान करीम बहुत अच्छा जा रहा होगा। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रमजान का दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है, ईद के नजदीक आ रहे हैं दिन। बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि फेस के लिए कुछ अच्छी चीजें बताएं, कुछ पार्लर जैसा। कुछ लोग नहीं जा सकते क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, रमजान की टाइमिंग, फिर अफ्तारी और फिर तरावी, और इस सारे चीजों में आप लोगों को पार्लर जाने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि कुछ ऐसा बताएं जो सलून्स वाली लुक आए, सलून वाली फ्रेशनेस और ब्राइटनेस स्किन पे आए। तो जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है स्किन पॉलिशिंग जो सलून्स में की जाती है, जो कि अच्छे सलून्स में की जाती है। तो बाज लोग ब्लीच करते हैं और बोलते हैं कि जी वो वाली लुक नहीं आई, स्किन पॉलिशिंग वाली लुक नहीं आई। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि हम लोग जस्ट ब्लीच अप्लाई कर देते हैं, बोलते हैं जी वाजिबा हमारी हो गई है, स्किन पॉलिश नहीं। स्किन पॉलिशिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप क्लींस नहीं करेंगे, आप अपनी स्किन एक्सफोलिएट नहीं करेंगे, उस पर मास्क नहीं अप्लाई करेंगे, उस पर टोनिंग नहीं करेंगे, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आज जो सलून वाली स्किन पॉलिशिंग है मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो चलिए बातें करते हैं कम और काम करते हैं ज्यादा, तो लेट्स डू इट। तो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो है क्लींसिंग, ताकि आपकी स्किन से सारी डर्ट जो है वो रिमूव हो जाए और आपकी जो स्किन के अंदर पोर्स हैं उनमें ऑयल और जो इम्प्यूरिटीज हैं वो सारी साफ हो जाए। सो माई फेवरेट क्लींजर इज पोन्स एज मिरेकल। इसमें 10% चुनस है, रेटिनल सी प्लस है और ये स्किन के लिए बहुत अच्छी है। इसमें विटामिन B3 है जो फेस ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग। तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो उनसे है वो ये है, पोन्स का एज मिरेकल क्लींजर। सेकंड स्टेप है स्किन पॉलिशिंग को मिक्सिंग करना, उसको बनाना कि उसमें कौन कौन सी चीज जाएगी। तो चलते हैं और उसको बनाते हैं, लेट्स डू इट। सो जनाब, जो सबसे पहली चीज है वो है ऑक्सीडाइजिंग 20 volume 6%। ये सॉफ्ट टच का प्रोडक्ट है, क्यों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है क्योंकि स्किन पे हार्श नहीं है। सेकंड स्टेप है सॉफ्ट टच का सूथिंग लोशन। आप मॉइस्चराइजर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो मॉइस्चराइजर ऐड कर लें, अगर आप चाहे तो सॉफ्ट टच का ये सूथिंग लोशन ऐड कर लें। ये भी 1/2 teaspoon इस्तेमाल करना है जी। ये सॉफ्ट टच का शाइनर था, स्किन शाइनर, लेकिन मेरी बॉटल ज़रा टूट गई थी तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे डाल लिया। ओके, तो फोर्थ स्टेप है वाइटनिंग पाउडर। ये भी सॉफ्ट टच का है। सॉफ्ट टच के प्रोडक्ट्स में सारे इसलिए यूज़ करी क्योंकि स्किन पे हार्श नहीं है। तो इसके बाद जी लोग डालते हैं विटामिन ई का सीरम या वाइटनिंग कैप्सूल, लेकिन वो मेरी स्किन पे ज़रा हार्श है, वो मुझे सूट नहीं करते। तो मैं ये 24 karat gold का सीरम डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्किन पे सॉफ्ट रहता है और इस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। तो मैं भी आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ये इस्तेमाल करें। तो हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार, और अब इसकी एप्लीकेशन कैसी करनी है, कैसे फेस पे अप्लाई करना है, ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, बास लोगों की स्किन इस एरिया से, जैसे कि मेरी भी स्किन जो है इस एरिया से बहुत सेंसिटिव है। अगर आपकी स्किन भी बहुत सेंसिटिव है तो यहाँ पर आप अपना मॉइस्चराइजर जो आप डेली यूज पे लगाते हैं वो लगा लें। अगर वो नहीं लगाना तो सूथिंग लोशन, जैसा कि ये मैंने आपको बताया था सूथिंग लोशन, वो इन एरिया पर स्पेशली ये चीज़ें जो सी है, जैसे कि मेरी अभी से ही रेड होती है, मेरी थोड़ी देर के लिए रेड होती है लेकिन बाद में ये ठीक हो जाती है। तो इधर अगर ये वाले एरिया जो सा है, ये वाला एरिया जो सा है, ये रेड हो जाता है, तो उसके लिए आप ये वाला सूथिंग लोशन लगा लें या जो भी आपको मॉइस्चराइजर पसंद है जो आप अपने डेली लाइफ में लगाते हैं आप वो लगा लीजिए। आई एम अप्लाइंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ सूथिंग लोशन यहाँ पर क्योंकि मेरी ये स्किन बहुत सेंसिटिव, मेरी पूरी स्किन ही बहुत सेंसिटिव है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी और लाइट सा इसको ऑब्जर्व कर दूँगी।
डीप क्लींस करती हैं, स्किन वॉशिंग करती हैं या स्किन एक्सफोलिएशन करती हैं, तो उसके लिए आपको मास्क लाजमी होता है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही मसामों को खुला छोड़ देंगे तो दोबारा से, जैसे हम लोग किचन में जाते हैं, मसाला जाप का काम करते हैं, हांडियाँ बनाते हैं, बाहर जाते हैं, तो ऑब्वियसली डस्ट आती है फेस के अंदर, तो वो दोबारा से मसाम गंदे हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद ही स्किन जो है वो आपकी डल जाने लग पड़ती है। तो मास्क जो सा है, मड मास्क या क्ले मास्क आपकी रूटीन में होना चाहिए। जब भी आप डबल क्लींस करते हैं, स्किन एक्सफोलिएशन करते हैं, इनकी स्क्रबिंग करते हैं और ये स्किन वॉशिंग करते हैं, तो आपको मास्क जरूरी है। सो मास्क की टाइमिंग ये है कि जब आपका फेस बिल्कुल ड्राई हो जाए, आपको अकड़ा हुआ महसूस हो, तो आप इसको रिंस कर लीजिए। सो मेरा मास्क हो चुका है ड्राई, अब हम इसको रिमूव करते हैं। लास्ट स्टेप आपकी अपनी मर्जी है कि आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास स्किन टोनिंग नहीं है, स्किन टोनर नहीं है, तो आप अपना रोज़ वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ वाटर बहुत ज़बरदस्त टोनर है फेस के लिए। तो ये टोनिंग है, फेस टोनिंग लास्ट में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है, उसको रिस्टोर करता है। और जैसे कि अक्सर आपकी स्किन पे ब्लेमिश, जैसे कि मेरा, मैं भी कुछ भी करती हूँ तो मेरा ये हो जाता है रेड, लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है क्योंकि आई हैव सेंसिटिव स्किन। तो जब आप ये लगाते हैं तो ये दोबारा से आपकी स्किन को नॉर्मल करता है और इसके पीएच लेवल को भी कंट्रोल करता है और इसको रिस्टोर करता है। तो अप्लाई करते हैं, आप चाहे तो इसको कॉटन से लगा सकते हैं, तो चाहे हल्के हाथ से लाइक ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एट दी नाइट जब सोने का टाइम होता है, तो मैं ये न्यूट्रिजन का हाइड्रो बूस्ट इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, ये वाटर जेल है, ये जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। आप ये डे में भी लगा सकते हैं, नाइट में भी लगा सकते हैं। इसको मैं फिलहाल अभी इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि बिकॉज मेरी स्किन पॉलिशिंग ये है। जब मैं सोने लगूंगी रात में लेट, तो मैं इसको अप्लाई करूंगी, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड सो मेनी थिंग्स ऑन माय फेस, तो मैं अभी इसको अप्लाई नहीं करूंगी। इसका फायदा यह है कि आपकी स्किन की जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, जैसे आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, रूखी सूखी लगने लग पड़ती है, तो जब आप ये डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन जो सी है बहुत ग्लोई हाइड्रेटेड लगती है। इवन आप ये मेकअप से पहले भी अप्लाई करें, तो आपकी बेस इतनी स्मूथ बनती है, जरा सी भी क्रैक नहीं होती और परफेक्ट रहती है और बहुत लॉन्ग लास्ट रहती है। तो ये मेरा फाइनल सीक्रेट था जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। और बहुत सारी चीज़ें हैं क्यों, मैं इंशाल्लाह मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी बताऊंगी, सारी अपनी जो मैंने सीखा है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आप भी इससे मुस्तफीद हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ों के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।